नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं नुआव में हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट, जिस तरह से आप मशरूम, यहां के जो अयोध्या के नगरी के रहने वाले हैं, खास तौर से मशरूम के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यहाँ पर देसी बम्फोड निकलता है, जो कि अगस्त महीने में जब बादल गरजता है तब उसकी जो है बम्फोड दिखाई देता है। वो भी जो है कहीं जो पुराना भीट हो गया वहाँ निकलता है। लेकिन आज रवि प्रकाश जी यहाँ पर सदाबहार, कहने जो शहर के लोग जानते हैं कि मशरूम, तो वो सदाबहार अब गांव के लोगों को भी खिला रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जो है इनके प्लांट पर पहुंच चुका हूं, ये रवि प्रकाश सिंह हैं। आइए हम जानते हैं। जी स्वागत है सर। जिस तरह से आप जो है, मैं सुना हूं बहुत दूर दूर तक का, कि आप जो है बहुत मशरूम वगैरह खिला रहे हैं लोगों को और सस्ते में खिला रहे हैं। बहुत मतलब एक तरह का ये मशरूम खाने से कई रोग जो है काटती भी है, तो आपका क्या कहना है सर? जी, मशरूम पहली बात तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला जी सब्जी कह सकते हैं जी, आप फंगस से ही होती है। तो मशरूम हमने लगाया है मेरे घर पे, वहाँ मोहली हाजीपुर बसंडी ग्राम सभा है, तो वहाँ खेती पहले होती थी, तो हमने वहीं सीखा है। अब हमने छोटा सा प्रयास किया है यहाँ नुआव में, तो मशरूम हमने लगाया है। हमारा सेट है 22x34 का, 22x34 का सेट है हमने लगाया हुआ है, और उसी में मशरूम मेरा है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। जी जी प्रकाश जी, अच्छा थोड़ा सा बेसिक जानकारी, जैसे कि आपने कहीं सीखे हैं कि कहीं आपको मतलब थ्योरी रूप में बताया गया है, या सरकार ने आपको कुछ जो है इसका बेनिफिट दे रही है? नहीं, अभी तो सरकार का, चूंकि मेरा फार्म छोटा सा है, अच्छा, तो अभी सरकार का जो है बेनिफिट हमको नहीं मिल सकता। जी जी जी, फार्म अब धीरे धीरे जैसे बड़ा हो गया मेरा, तो सरकार भी मदद करेगी, सब्सिडी है इस पर। जी जी, हमने सीखा, क्या सीखा है हमने, मोहली में विवेक सिंह हैं, वो मशरूम के बड़े किसान हैं, बड़े प्लांट हैं तो उनके पास। हमने वहाँ, मैं वहाँ रहा नहीं हूँ, लेकिन हमने, मेरा उनका संबंध अच्छा है, तो मैं जाता आता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो वहीं सीखा, बाकी यूट्यूब के माध्यम से। जी जी, तो इसी के माध्यम से हमने सीखा है, तो जो है बस उसी पे चल रहा हूँ मैं। छोटा सा एक फार्म है, मतलब की बार हमने लगाया जी हुआ जी। रवि प्रकाश जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे मशरूम कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी भी कुछ और इसके हटके भी, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं आपको ये प्लांट दिखाने का, किस तरह से प्लांट बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये खेत में है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोत्साहित काम किए हैं, यहाँ के लोगों को भी, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखो, अगर आप मशरूम खाते हैं तो दिल की बीमारी जो है कम होती है, इसलिए मशरूम का फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बता दूं कि मशरूम खाने वाले अधिकतर शादी पार्टी या बर्थडे वगैरह में ही बनाया जाता है, अदरवाइज यहाँ कोई जानता नहीं है। लेकिन जो शिक्षित हैं वही जो है ये खाते हैं, शहर से लाते हैं। यहाँ तो इर्द गिर्द में बाज़ारों में, मंडियों में तो बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि इसके उत्पादन करने वाले यहाँ पर बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो जैसे कुमारगंज अनुसंधान संस्था है, वो प्रोत्साहित करती है लोगों को, यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं, तो आइए हम देखते हैं। जी स्वागत है सर। ये कैसे, क्या क्या है, कुछ जानकारी बताएंगे सर? देखिए हमारे दर्शक, मैं आपको दिखा रहा हूँ आज सुबह टाइम्स के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कई तरह के होते हैं, तो रवि जी बताएंगे। जी रवि जी, आप जो है जैसे कि ये सफ़ेद वाला है, ये बटन मशरूम, हाँ कितनी प्रकार के आप जानते हैं सर? जी ये दिखाइए मशरूम को। अपने यहाँ प्राय तीन प्रकार के मशरूम जो लगाए जाते हैं, जिनको जानकारी है, एक बटन मशरूम, ओएस्टर और एक मिल्की। जी जी, तो मिल्की और ओएस्टर बनाने का थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता जी, है। तो एक ये हमने लगाया है बटन मशरूम, सर्वप्रथम सितंबर माह में हमने इसी कंपोस्ट बनाई थी। अच्छा, तो सितंबर कंपोस्ट बनाने के लिए फ्रेश भूसा और 1% सुपर पोटास यूरिया, उसके बाद 30% मुर्गी का बीट, अच्छा, जो हमने मिलाया है, और 30% जिप्सम, 2% चूना। मतलब कई प्रकार के जो जी ये लॉन्ग मेथड है खाद बनाने का। अच्छा, तो हमने खुद ही बनाया है लॉन्ग मेथड में खाद, तो इसकी
एक पलटाई, दो पलटाई, सात पलटाइयाँ होती हैं। अच्छा। और जैसा कि जानते होंगे में फ्रेश भूसा उसको भिगो देना है 48 घंटे के लिए। उसके बाद उसमें 1% सुपर पोटास यूरिया, 30% मुर्गी का बीट, अच्छा, मिला के ढेरी बना देनी है। अच्छा। उसके बाद तीसरे दिन, हर तीसरे दिन उसकी पलटाई करना है। अच्छा। तीसरी पलटाई पे हमने जिप्सम डाला है 30%। जी जी। उसके बाद फिर हमने, हाँ, 30% जिप्सम के बाद फिर ये हमने 5 पलटाई इसकी लगातार। अच्छा रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये वाला, ये कौन सा? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।